गाइस वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं ये छोटा सा अमरूद का पेड़ जो मेरा सामने है, दिखाई दे रहा है ना। इसमें देखिए, इसमें छोटा 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 अमरूद का बड्स आ रहा है, आपको मैं दिखा रही हूँ। इसमें दिखाई दे रहा है ये छोटा सा, इधर में और फिर देखिए इधर में, इधर थोड़ा बड़ा बड़ा हो चुका है। देखिए देखिए इधर में दिखाई दे रहा है ना, ये सब फ्लावर आने के लिए, फ्लावरिंग के लिए ये रेडी हो रहा है। इधर दिखाई दे रहा है ना, देखिए मेरा छोटा सा अमरूद का पेड़ है, लेकिन इसमें ये इतना हेल्दी है, इसमें फ्लावरिंग होना शुरू हो गया, बड्स आना शुरू हो गया। देखिए देखिए मैं इसमें छोटा सा एक प्लास्टिक बैग में लगाया हूँ, जो कैट का खाना आता है उसका प्लास्टिक बैग में लगाया हूँ। और मैं इसका मिट्टी कैसे बनाई, देखिए ये दिखाई दे रहा है आपको, सूखा हुआ पत्ती, इसको मैं ऊपर से लगाया हूँ। लेकिन इसका जब देखिए मेरा कैट भी इधर आकर ये मेरा मुझे काम करने नहीं दे रहे, उधर जा। जब मैं इसका मिक्सर बना रहे थे तभी भी मैंने इसको क्या किया था, ये प्लास्टिक ये लगाया था मैंने, ये सूखे पत्ती लगाया था। ये है ना, ये आप लगाने से, ये ड्राई लीव्स लगाने से इसमें ये डिकम्पोज होते रहेगा, फिर प्लांट को न्यूट्रिशन मिलते रहेगा, ये बहुत अच्छा होता है। इसलिए आपका अगल बगल में कहीं पर ड्राई लीव्स ऐसे पड़ा होने से लेकर आप रख सकते हैं, और उसको फिर जब प्लांट लगाते समय उसको मिक्स करके लगा सकता है। ये बहुत मिट्टी को बहुत हेल्दी रखेगा। देखिए मेरा गुआबा का प्लांट, आप देख सकते हैं इसको फ्रूटिंग, अब ये फ्लावर में चेंज हो जाएगा, उसके बाद भी फ्रूटिंग हो जाएगा। देखिए क्या चाहिए तुमको, उधर जाओ, तुमको उधर जाओ, तुम उधर जाओ, उधर जाओ। फिर ये देखिए, ये फिर इसमें थोड़ा थोड़ा करके ये अभी बड़ा हो जाएगा, फिर उसके बाद ये फ्रूट में बदल जाएगा। देखिए मेरा छोटा सा गुआबा प्लांट कैसे अच्छा हो रहा है। सिम्बुकुटी बाई सबको हेलो बोलो, हेलो बोलो, हेलो बोलो, हेलो हेलो। ओके गाइस बाय।